डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं, जो हम लोग एनसीईआरटी को बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इस एनसीईआरटी के बुक में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस को किया है, यानी कि वन में टोटल 15 क्वेश्चंस थे और उन सभी 15 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है। ठीक है, चलिए अब आइए आगे आते हैं। जैसा कि आपको हम बताए होंगे, एक्सरसाइज 6.4 के लिए हम लोगों ने कुछ थ्योरी भी पढ़ा था, लेकिन पूरा कंप्लीटली थ्योरी नहीं पढ़ा था। चलिए फिर से हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के लिए कुछ थ्योरी को पढ़ते हैं। तो थ्योरी में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन के लिए एक ही फार्मूला लिखा था, वो क्या था याद है ना, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, जहां एक्स होता है थिंकिंग वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, और डेल एक्स क्या होता है, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज, ठीक है। थिंकिंग वैल्यू का मतलब व्हाट वैल्यू, वह थिंकिंग वैल्यू जिसपे हम लोगों को अपना सोचा हुआ वैल्यू होता है, जिसपे हम लोगों को आसानी से दी गई क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में सहूलियत होती है, वैसी नंबर को थिंकिंग वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे आते हैं हम लोग। तो उससे आगे जैसे कि पढ़ते हैं हम लोग इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, उसके आगे पढ़ेंगे इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का और भी हम लोगों का कुछ इंपोर्टेंट रूल्स बचा हुआ है, एबीएमए हम लोग का थ्योरी चल रहा है। हालांकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े, जो फार्मूला काम किया हम लोग का 6.4 में वन के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वन में टोटल 15 क्वेश्चंस थे। चलिए उसके आगे हम लोग अब पहले क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। अप्रोक्सीमेट चेंज का फार्मूला क्या है जरा देखते हैं। अप्रोक्सीमेट चेंज का फार्मूला हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, एफ डैश एक्स इंटू एक्स ऑफ ए परसेंट, जहां ए क्या है, ए कांस्टेंट है और ये वैल्यू गिवन दिया हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमें अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना होगा तो अप्रोक्सीमेट चेंज का फार्मूला याद रखिएगा, एफ डैश एक्स इंटू एक्स ऑफ ए परसेंट। ए परसेंट का मतलब सवाल में दिया रहेगा 2%, 3%, 4%, 8%, उसी हिसाब से हम लोग यहां पे उसका यूज करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट चेंज का फार्मूला क्या मिला याद रखिएगा, एफ डैश एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन इनटू एक्स ऑफ ए परसेंट, एक्स लगाना जरूरी है और उसका ए परसेंट। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला अप्रोक्सीमेट इरर। अगर इरर बोलेगा अप्रोक्सीमेट इरर, तो इरर के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, तो इसके लिए यूज करते हैं एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, जहां पे डेल एक्स क्या है दोस्त, डेल एक्स का मतलब अ स्मॉल चेंज। ठीक है, तो अगर ये दोनों फार्मूला अगर याद हो जाता है, हम लोग आसानी से चीजों को आंसर ला सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दो ही फार्मूला है, एक अप्रोक्सीमेट चेंज बोलेगा तब क्या करना है, अप्रोक्सीमेट इरर बोलेगा तब क्या करना है। चेंज बोलेगा आप एफ डैश एक्स को एक्स ऑफ ए परसेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और जब अप्रोक्सीमेट इरर बोलेगा एफ डैश एक्स को डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक ठाक है। चलिए उसके बाद हम लोग फिर कुछ एक फार्मूला है, हालांकि ये फार्मूला आप 10th में भी पढ़े होंगे
और इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आपको याद ना हो। तो चलिए कुछ और फार्मूले का हम लोग जो टेंथ में यूज करते थे उस फार्मूले को भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, या फिर लिखिएगा फार्मूला ऑफ मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के कुछ फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे कि पहला फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि घन का आयतन। इसका हिंदी क्या हुआ? घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब, और भुजा यहाँ पे पता नहीं है तो आप एक्स का क्यू कर दीजिएगा, ठीक है, एक्स क्यू। दूसरे का अगर बात करें, दूसरा का, तो दूसरा में हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा, ध्यान दीजिएगा, क्यूब मतलब क्या? घन, घन का आयतन, भुजा का क्यू होता है। अब घन का सरफेस एरिया मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना में भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 6x² यूज करते हैं। x मतलब भुजा, जैसे 6 गुना भुजा स्क्वायर लिखते हैं ना, वैसे ही 6 गुना x² तीसरे नंबर फार्मूला पे आते हैं। थर्ड फार्मूला कुछ इस तरीके से है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला। स्फेयर मतलब गोला, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर यानी कि स्फेयर मतलब गोला, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। क्या होता है? 4/3 πr³, ये हम लोगों का होता है 4/3 πr³, ठीक है। इसके नीचे जगह नहीं है इसलिए एक लास्ट फार्मूला नंबर 4, इस बार है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर यानी कि गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, याद है? तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट आंसर इज 4πr², ठीक है। तो ये इन चीजों को आप हम लोग अब यूज करने वाले हैं, और दोस्तों यही हम लोग का थ्योरी समाप्त हो गया। और एक्सरसाइज 6.4 के लिए दैट इज एनफ, आपको इतना ही चीज याद रखना है, ठीक है। इतना चीज याद रखेंगे हम लोगों का खत्म कहानी हो जाएगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना होगा अप्रोक्सीमेट चेंज फार्मूला, f(x)(x)(a%), ए मतलब कांस्टेंट, 2%, 4%, 8%, ऐसे करके सवाल में दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट एरर, अप्रोक्सीमेट जहां एरर बोल दिया, आपको क्या करना होगा? f(x)(Δx) को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहां पे आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, और नीचे हालांकि हम लोग टेंथ के फॉर्मूले हैं जिसको हम लोगों को याद रखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब भुजा का क्यूब, तो यहां भुजा कितना मान लिया? x, तो x का क्यूब हो गया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है भाई? 6 गुना में भुजा स्क्वायर, तो 6×x² हो गया। वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर यानी कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या? 4/3 πr³। फिर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr². तो इतनी चीजों को आप याद रखेंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग का खत्म हो गया, तो जब हम लोग का थ्योरी खत्म हो गया तो फिर हम लोग
अब बुक के क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्या बोल रहा है बुक के क्वेश्चंस, और फिर उन्हें हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि पता है दोस्तों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.4 के लिए पूरे क्वेश्चंस को किया था, एक में 15 क्वेश्चंस को किया था। आपको आइडिया लग गया होगा, आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कुछ में दिक्कत आई है, उनके लिए हम जरूर हेल्प करेंगे, और बहुत सारे लोगों को ऑल बन गया है, कहीं कहीं बीच में प्रॉब्लम आ रहा था, तो कहीं से भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने प्रयास तो किया, गलती होना लाजमी है, गलती करना गलती होना ये दोनों आम बात है। लेकिन अगर बात रहा बात की कोई प्रयास ही नहीं करे तो फिर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो आपने प्रयास किया, आपने आपसे गलती हुआ, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। फिलहाल 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी कि 15 क्वेश्चंस, उसका हम लोगों ने जिक्र किया था, आपको बताया था कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोचना है, कैसे ट्रीट करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना भाई, तो एफ 2.01 का वैल्यू निकालना है। यही ना फाइंड बोल रहा है, फाइंड का मतलब निकालना, ज्ञात करना, किसका वैल्यू, तो एफ 2.01। लेकिन उसके बाद हमें गिवन दिया है, गिवन क्या गिवन दिया है भाई, तो एफ एक्स का वैल्यू दे दिया है। कितना एफ एक्स का वैल्यू दिया है भाई, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया है 4x² + 5x + 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको हम पिछले दिन बता चुके हैं कि अगर कोई भी वैल्यू एफ एक्स का दिया हुआ रहता है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर एफ एक्स का दिया रहता है तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा है, अप्रोक्सीमेशन में एक फार्मूला पढ़ा है जिसका नाम क्या है, एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स और उसके इक्वल में एफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स, राइट। यानी कि ये हम लोग फार्मूला में पढ़े हुए हैं। अब चलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन में, कि आखिर दूसरा नंबर में इसको हम लोग कैसे यूज करके बनाएंगे। और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम दूसरा क्वेश्चन जैसे बनाएंगे ना, आपको तीसरा भी वैसे ही बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। क्यों, क्योंकि तीसरा नंबर भी सेम है, इसलिए दूसरा को हम बता रहे हैं, आप अच्छे से देखिए, क्योंकि तीसरा हम बताने वाले नहीं है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है। अब भाई सेम का मतलब कि ये चीज तो नहीं ना रहेगा सेम, वो तो अलग ही रहेगा ना थोड़ा सा, और फिर आपको बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो, आप उसका एफ डैश एक्स निकाल लो। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 × 8x प्लस 5x का डिफरेंशिएशन 5, पता है ना, ये चीज तो हो जाएगा। अब आप चूंकि ये सोचिए कि हमें फार्मूला क्या निकालना है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, यही ना जानते हैं, यही नहीं जानते हैं। अब यहां पे तो हम लोग जानते हैं ये फार्मूला। अब आप ये सोचो कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स, इतना हम इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान कितना निकालना है हमें, एक्स प्लस हमें मान इतना का निकालना है ना। सवाल क्या बोला कि एफ 2.01 का मान निकालो,
तो आप इसके जगह पे 2.01 रखेंगे सिंपल। तो यानी कि हमें निकालना है 2.01 का मान, यानी कि इसके जगह पे ये रख दिया। और fx का वैल्यू कितना दिया भाई, तो fx का वैल्यू सवाल दे दिया 4x² 5x + 2 + f'x। तो f'x कितना दिया 8x + 5 × ∂x। ठीक है, अब आप यहां पे सोचो हियर कि x प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना है भाई, x प्लस डेल एक्स का वैल्यू आपने तो 2.01 रखा, तो आप यहां लिखो कि x प्लस डेल एक्स का मान हमने 2.01 रखा। अब आप सोचो कि 2.01 रखेंगे इस वैल्यू में तो कितना लोचा होगा भाई, x की जगह पे 2.01 रखना है, उसका स्क्वायर करना है फिर 2। तो इससे अच्छा है कि हम इसका आसानी से सॉल्यूशन कितना पे निकाल सकते हैं, तो इसके आसपास का नंबर देख लो, हम सिर्फ 2 पे इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, मन में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 2 × 5 × 10, 16 × 10 = 26 और 2 = 28। देखो यानी कि यही तो है हम लोग का थिंकिंग वैल्यू। थिंकिंग वैल्यू दोस्तों वैसा वैल्यू होता है जो इसके आसपास का नंबर हो। यहां तो तक तो लोग सभी कर लेते हैं, लेकिन एक्स के जगह पे ऐसा कुछ सोचना होता है, ऐसा कुछ सोचना होता है एक्स के जगह पे, ताकि आप उसका मान एफ एक्स में रखो तो आसानी से सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, आसानी से आप उसका मान निकालो। आपको हम 2 पर तो निकाल दिए, कितना आया 28 है ना। हाँ, तो अगर आप 2.01 है तो क्या 2.01 पे इतना आसानी से फट से निकाल सकते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहां पे पॉइंट है, उसका स्क्वायर करो फिर मल्टीप्लाई करना है 4 से, दैट इज टफ। अब उतना भी टफ नहीं है, ये कैलकुलेशन है तो हम लोग ऐसे भी कंप्यूटर कैलकुलेटर है तो हो जाएगा, लेकिन नॉट यूजेस फॉर एनी डिवाइसेस। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब कि आप सोचो कि यहां से थिंकिंग वैल्यू क्या रखा जाए जो इसके करीब हो, 2.01 के करीब ऐसा नंबर सोचो जो इतना पे मान रखने पे आप आसानी से निकाल सको। तो हमको पता चला कि x का वैल्यू कितना रखना, 2 रखना। तो x का वैल्यू दोस्तों अगर 2 रखेंगे तो चूंकि x प्लस डेल एक्स का वैल्यू 2.01 है, तो x के जगह पे कितना रखना है, 2 प्लस डेल एक्स बराबर 2.01। इसलिए यहां से आप डेल एक्स का मान निकाल दो और 2 घटा दो तो 0.01 आएगा। अब क्या करना है, नाउ अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है उसमें, यानी कि यहां के बाद, हाँ जी यहां के बाद यहां मिटा दिया क्योंकि उतना का काम नहीं था। नाउ इसी का मान निकालना है ना, तो इसको यहां पे लिख देंगे f 2.01 = अब जहां x है भाई वहां पे रखना है तुम्हें क्या, 2, और जहां डेल x है वहां रखना है 0.01। ठीक है, तो यहां x 4x² है, 4x के जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 2 + 8 × x के जगह पे 2 + 5 × ∂x का वैल्यू 0.08। ठीक है, यहां पे देख पा रहे होंगे 4 × 2 = 4 + 10 + 2 + 8 × 16 = 21 × 0.01। ठीक है, यहां से कितना आ रहा है, 4 × 16 + 10 + 2 + 21 × 0.01। तो यहां हो जा रहा है कितना, 28 प्लस, इसको आप गुना कराओ, बोर्ड मास तो पढ़े होगे ना, पहले गुना कराया जाता है, ठीक है, जोड़ा नहीं जाता, बोर्ड मास में पहले गुना कराया जाता है, गुना करा लो आप इसको, कितना बनेगा 0.21 ना। हाँ, तो 0.21 को आप ऐड कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों
28.21। तो इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 3। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे 3 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5.001 लिखा है। तीसरा सवाल देखेंगे तो एक कितना का मान निकालना, 5.001 का मान निकालना। तो इसमें एक्स का थिंकिंग वैल्यू क्या होगा? देखो आपको जो सोचना चाहिए ना, हम खुद हिंट्स कर देते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को बना सको। देखो इसमें तुम लेना एक्स का वैल्यू थिंकिंग वैल्यू 5, ठीक है, क्योंकि आसपास का 5 पे तुम आसानी से सॉल्यूशन कर सकता है। तो एक्स का वैल्यू यहां 2 लिए हैं, तुम रखना 5 क्योंकि उस पे आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बताते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग छोड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप जरूर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं जरा देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। क्या करना भाई? अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, जैसे ही बोला कि अप्रोक्सीमेट चेंज निकालो, ठीक है, यानी चौथा सवाल में हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट चेंज बराबर व्हाट, ठीक है। फिर क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड जिसका x मीटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, x मीटर। तो एक आप यहां पे क्यूब यानी कि घन बना लो, ठीक है, आप यहां पे एक घन बना लो और इस घन के बारे में बोल रहा है कि इसका जो साइड है दोस्तों, ये साइड कितना है, सब x सेंटीमीटर, सब x है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, तीनों जो है एक्स है, ठीक है। तो जब तीनों यानी कि किसी भी क्यूब का लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्यूब है और इस क्यूब के बारे में बोला वॉल्यूम जो है हम लोगों का भी है, वॉल्यूम को भी से सूचित किया जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल में हमें क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आपको इसलिए ना बोले फार्मूला याद रहना चाहिए, क्यूब का आयतन यानी कि घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, भुजा का क्यू होता है, तो भुजा यहां एक्स है तो एक्स का क्यू हो जाएगा। दोस्तों जब एक्स का क्यू हो गया तो यहां पे हम बोल सकते हैं लेट, मान लिया कि ये जो मान है एफ एक्स का मान है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब रहे चाहे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब रहे, जो हम लोगों का यहां पे आता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स का मान कितना हो गया दोस्तों, एक्स क्यूब। तो आप सोचो कि जिसका एफ एक्स का मान जो हमें प्राप्त होता है, आपको याद आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेट चेंज का क्या फार्मूला है, अप्रोक्सीमेट चेंज का फार्मूला अभी लिखवाए हैं, उसमें एफ डैस एक्स का तो इस्तेमाल होता है, एफ डैस एक्स का इस्तेमाल होता है। तो आप यहां करो क्या, चूंकि अप्रोक्सीमेट चेंज का फार्मूला अगर नहीं याद है हम आपको बता देते हैं, इसका फार्मूला होता है एफ डैस एक्स इंटू एक्स ऑफ ए परसेंट, ये फार्मूला होता है। आप यहां पे देखो कि अप्रोक्सीमेट चेंज निकालने के लिए भी बोल रहे तो हमें तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, एफ डैश एक्स निकालना जरूरी है, इसलिए आप करो क्या, इसको एफ डैश एक्स निकाल दो। तो एफ डैश एक्स कितना हुआ भाई, 3x² यानी कि इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है आगे कि जो डिक्रीजेज है, सॉरी एक्स मीटर कॉज इंक्रीजेज
साइड 1%, यानी कि यहां पे हमें इंक्रीज कर रहा है 1% से, ठीक है, 1% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब 1% से इंक्रीज करे चाहे फिर डिक्रीज करे इससे हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन सवाल में चौथा नंबर में 1% के जगह पे हमें 1% दिया है। सवाल पढ़ो आप, 1% हम लोगों का इस्तेमाल करना है ना भाई, तो 1% का मतलब क्या, 1% का मतलब क्या, तो 1% दे दिया है ना। तो अब हम लोग इस्तेमाल करो, नाउ अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, तो अप्रोक्सीमेट चेंज बराबर अप्रोक्सीमेट चेंज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आया है भाई, 3x² आया है ना, 3x² और फिर क्या करना, तो फिर इसको इनटू करना है, तो इनटू कर लो, फिर देना है एक्स, एक्स दे दिया, फिर लिखना है ऑफ, फिर ए परसेंट, तो ए परसेंट का सवाल में हमें दिया है, ये कहां से दिया है, सवाल में गिवन दिया हुआ है कि ए परसेंट का मतलब 1%, हम बताए थे ना ए क्या है, कांस्टेंट है, ये सवाल में हमेशा दिया रहता है। तो अब क्या करना है यहां पे भाई, तो 1% लिख देना है, ठीक है। अब आप यहां से देख लो, 3x² लिखो इनटू एक्स, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब ही होता है गुना करना, ठीक है, बोर्ड मास के रूल में पढ़े होगे, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ऑफ आया ना, ऑफ मतलब गुना, ठीक है, तो हमेशा ऑफ मतलब होता है गुना का। 1% का मतलब दोस्तों 1/100, क्योंकि आप बताओ परसेंटेज का मतलब ही होता है बटा में 100। जैसे मान लिया हम बोलेंगे 20%, तो 20% का मतलब साथियों 20/100, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा 1/5। उसी तरीके से लाइफ में हम लोग सीखे हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100/100, तो ये परसेंटेज हो गया तो 1/100। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे यहां पे क्या आ गया, 3x³/100, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब 3x³/100 भी लिख सकते हैं, या फिर 3 को आप 100 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 0.03x³, ठीक है। अब रहा बात कि हमें जो साइड दिया था वो किसमें दिया था, सेंटीमीटर की मीटर, देख लेते हैं, तो एक्स मीटर दिया हुआ था दोस्तों, एक्स मीटर, ठीक है, तो जब मीटर में दिया था तो हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, तो वॉल्यूम में हमेशा क्या होता है, क्यूब होता है, तो यहां पे मीटर का क्यूब लगा देंगे, तो ये हम लोगों का सटीक आंसर हो जाएगा, यूनिट के साथ हो जाएगा, जो कि हम लोगों को कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। अब रहा बात कि सर अब अगले क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पांचवा भी है कुछ इसी तरीके से। पांचवा क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज, क्या करना है इसमें भी, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट साइड इसका भी कितना है, एक्स मीटर, डिक्रीज द साइड बाई 1%, भाई इसमें क्या बोल रहे हैं ना, सब कुछ तेरे को वही करना, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है, ठीक है, निकालेंगे तो किस फार्मूले से, सोचो किस फार्मूले से, तो एफ डैश एक्स इंटू एक्स ऑफ 1%, यही ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल रहा था ना यहां पे इस सवाल में, वहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं बोल रहा पांचवा में, यहां पे बोल रहा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला हम पढ़ा है ना अभी, क्या होता है, तो 6x² होता है, और उसमें भी यही फिगर बनेगा, क्योंकि क्यूब बोला है, घन बोला है, उसका भी साइड एक्स मीटर है, तो जब 6x² बोला
तो आपका एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6x2। और 6x2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 12x। और इसमें भी बोला है कितना परसेंट, देख लो भाई पांचवा में भी बोला है 1%। तो अब क्या कर लो, अप्रोक्सीमेट चेंज का फॉर्मूला यहां पे तुम खुद से निकाल लेना भाई। क्या करना है, यहां पे एफ डैश एक्स का मान रख देना, ये 12x, ठीक है, इनटू एक्स लिखना ऑफ ए परसेंट का मतलब 1%। तो कुल मिलाकर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको क्या करना है, इसी को इस्तेमाल करना है और सेम हम लोगों का कंडीशन में आंसर आ जाएगा। इससे हम लोगों का कोई दिक्कत नहीं है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे करना, क्योंकि 5 नंबर को हम अधूरा समझा दिए हैं। आप इन चीजों को डेफिनेटली सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ज्यादा भारी नहीं है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हमें, और क्वेश्चन नंबर 6। अब देख लो 6 में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज मेजर्ड एट 7 meters विथ एन एरर ऑफ 0.02 meters, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, क्या करना है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम निकालना है। देख लो भाई, जैसे हम छठा सवाल बता रहे हैं वैसे ही आपको 7वां सवाल भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि छठा में वॉल्यूम का बात किया है तो 7वां में सरफेस एरिया का बात किया है, और दोनों ही सवालों में हमें किसका मान दिया हुआ है, तो स्फेयर से रिलेटेड रेडियस का वैल्यू दिया है। तो सवाल अगर हम लोग पढ़ें छठा अच्छा से, तो रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है, 7 meters दोस्तों, रेडियस ऑफ स्फेयर कितना है, 7 meters, यानी कि एक स्फेयर बना लो आप, ठीक है, एक स्फेयर बना लिया, स्फेयर मतलब गोला, एक गोला हो गया, और इस गोले का हमें क्या दिया, तो रेडियस दिया हुआ है, कितना रेडियस है भाई, तो रेडियस हमें दिया है 7 meters, ठीक है, ये सेंटर हो गया किसका, स्फेयर का, ठीक है, और स्फेयर का ये सेंटर है और सेंटर का रेडियस हमें पता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि विथ एन एरर ऑफ 0.02। अब देख पा रहे होंगे यहां पे सिंपल वे में इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, अब इसका रेडियस दे दिया, फिर क्या हमें बोल रहा है भाई इस क्वेश्चन में, एंड एरर, एरर दिया हुआ है, एरर का मतलब होता है दोस्तों, एरर इसमें कितना दिया, 0.02, साफ साफ लिखा है कि एरर जो है 0.02 meters है, ठीक है, तो एरर का मतलब इसी को बोलते हैं दोस्त, अ स्मॉल चेंज, यानी कि जो एरर हमें सवाल में दिया रहता है, जो सवाल हमें दिया रहता है वो हो जाता है एरर, और डेल एक्स का मान सवाल में कितना दे दिया, 0.2 meters, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओ तो हम लोगों को इसमें क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम, यानी कि इस स्फेयर के बारे में क्या बोला, वॉल्यूम के बारे में बोला, तो हमको पता है ना, चूंकि वॉल्यूम ऑफ क्या, तो स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³, ठीक है, यानी कि 4/3πr³। दोस्तों यही हम लोगों का हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा हम लोगों का
एफ एक्स का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आर है, तो यहाँ पे हो जाएगा हियर एफ आर का वैल्यू कितना हो गया 4/3 πr³। इसलिए दोस्तों यहां से आप निकाल लो एफ डैस आर, तो एफ डैस आर का वैल्यू क्या होगा, तो 4/3 π तो रहेगा ही रहेगा, और आर क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 3 बाहर आ जाएगा, और फिर आर का एक पावर घट जाएगा तो आर स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, 4π इंटू आर का स्क्वायर करना है दोस्तों, और आर का वैल्यू कितना दिया है यहां सवाल में 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर का मतलब 49, और 49 को 4 से गुणा कर लो, तो 49 को 4 से गुणा करेंगे यानी कि आ जाएगा कितना 196 ना। हाँ, तो यहां पे 196 पाई हो जाएगा, किसका वैल्यू, एफ डैश आर का वैल्यू। ठीक है, अब सवाल में क्या हमें बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट एरर निकालो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर। आप देखो सवाल को अच्छे से पढ़ो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एरर दिया था और हमें अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, तो नाउ अप्रोक्सीमेट एरर, अप्रोक्सीमेट एरर का फॉर्मूला क्या पता है, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, यही ना, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो एफ डैश एक्स को हम लोग यहां पे एफ डैश आर यूज किए हैं ना भाई, एफ डैश एक्स का वैल्यू एफ डैश आर यूज किए हैं, और डेल एक्स के बजाय चूंकि यहां आर आर दिया था तो आप इसको डेल आर बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेल एक्स बोलो चाहे डेल आर बोलो वो तो एरर ही हुआ ना, तो यहाँ पे आप डेल आर बना लो और इसका वैल्यू रख दो, एफ डैश आर का कितना है 196 पाई इंटू डेल आर का मान कितना 0.02। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 196 को 2 से कर देना है, यानी कि कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं, 392 ना। हाँ, तो जब इसको गुना करेंगे तो 392 पाई आएगा, लेकिन दो अंक के बाद जीरो है तो आप दो अंक के बाद जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब रहा बात की सर हम लोग का तो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में ये मीटर दिया है तो मीटर का क्यू कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों छठा के जैसा ही हम लोगों का सातवां है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है, सातवां नंबर में हम आपको समझा देना चाहते हैं। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज 9 मीटर, आपको सेम एक स्फेयर एक गोला बनाना है जिसका रेडियस कितना होना चाहिए दोस्तों 9 मीटर, 9 मीटर रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस 9 मीटर, फिर क्या बोला, फिर बोल रहा है कि विथ एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, यानी कि इसमें जो एरर आ रहा है वो 0.02 नहीं आ रहा है, 0.03 आ रहा है, तो यहां पे डेल आर का मान हो जाएगा 0.03, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, 0.03, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर, हमें भी इसमें सवाल में भी अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके पहले सवाल छठा में था वॉल्यूम के बारे में बोल रहा था, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाए थे, लेकिन इस बार वॉल्यूम नहीं बोल रहा, सातवां में बोल रहा है, आप चेंज कर लेना इसको, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4π r² ठीक है, 4π r². अब जब यहां पे r में फंक्शन दिया है तो एफ आर ना लिखेंगे, जैसे यहां x दिया होता तो एफ एक्स लिखते। ठीक है, यहां r दिया है तो एफ आर का मान कितना दे दिया,
फोर पाई आर स्क्वायर, इससे आप क्या निकाल लेना, एफ डैस आर निकाल लियो, ठीक है। एफ डैस आर का वैल्यू कुछ होगा, क्या होगा जरा देखी लेते हैं, फोर पाई इंटू आर का यहाँ पे टू आर बन जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाहर आ जाएगा, और आप आर की जगह पे कितना रख दोगे, यहाँ पे आर की जगह पे नाइन रख लीजिएगा। इस तरीके से एफ डैस आर का वैल्यू निकाल लेना है। एफ डैस एक्स का भी वैसे ही मान आप निकालते चलिएगा, यहाँ पे एरर कितना है 0.03, तो यहाँ पे हम लोग 0.03 रख देंगे। यहाँ पे जो एफ डैस आर का वैल्यू आएगा उसको रख देंगे, क्योंकि इस सवाल में भी हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को जरा अच्छे से देखिए, तो हम लोगों का जो सवाल कितना, जो सवाल हम लोगों ने दूसरा तीसरा पढ़ाया है शायद उसी पे एकदम फुलफिल बैठेगा क्वेश्चन। हाँ जी बिल्कुल, देख लो आप दूसरा जैसे बनाए थे ना वैसे ही हम लोगों का आठवां भी बनने वाला है, ठीक है, आप ध्यान देना जरा। आठवां कैसे बनेगा, आठवां वही उसी से बन पाएगा जिससे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनाए हैं, यानी जैसे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनाए हैं सेम इसी के जैसा हम लोगों का आठवां क्वेश्चन भी है, ठीक है, आप समझ पा रहे ना। तो इन चीजों को भी आपको आठवां उसी तरीके से बनाना है। फिर अगर नवां के बात करें, अप्रोक्सीमेट चेंज वॉल्यूम ऑफ साइड, देख लो भाई अब जो नवां क्वेश्चन है ना, नवां क्वेश्चन वो किसके जैसा बनने वाला है, वो हम लोगों को बनने वाला है परसेंटेज वाला है ना, तो परसेंटेज वाला जी हाँ, चौथा क्वेश्चन के सेम चौथा क्वेश्चन के जैसा बनेगा, यानी कि 9 जो है 4 के जैसा बनेगा। इसमें भी हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब लगाए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहां पे भी आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही बोल रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब होता है, तो यहाँ पे भी आप एक्स क्यूब करेंगे। ध्यान रहे चौथा में हम लोगों का ए परसेंट का वैल्यू 1% दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें 3% दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से हम लोग को इस तरीके से पूरा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है, ठीक है, पूरा ये कंप्लीटली खत्म हो गया। आप इन चीजों को दूसरा से लेकर नवा तक के क्वेश्चन को इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छे से जरा कीजिएगा, ठीक है। हम हिंट्स दे चुके हैं और बसरते सबका आंसर आपको मैच करते चले जाना है, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, एक एक्सरसाइज और बच रहा है, वो भी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जरा देख लेते हैं कि अगले एक्सरसाइज में हम लोगों को एक लास्ट एक्सरसाइज है 6.5, तो उसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, हालांकि ये तो नाक में दम कर देने वाला है, टोटल 29 क्वेश्चन है, लेकिन नो डाउट्स हम लोग एक दिन में अगर 10 क्वेश्चन भी करेंगे, 10 × 30, 3 दिन तो ऐसे ही होगा, और हम मानते हैं कि 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लेते हैं तो 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, ठीक है। तो हम जो बोले थे कि लगभग 12 से 15 दिन में राइट टाइम राइट नाउ एकदम खत्म होगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सैटरडे हो चाहे संडे हो हर दिन क्लास हो रहा है, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ और नई चीज पढ़ेंगे। धन्यवाद।